स्पेन में मोस्ट पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल कस्टम्स में से एक है। एवरी समर हजारों लोग एक बुल फाइटर को देखने जाते हैं, जो कि एक स्नॉटिंग बुल के सामने रेड केप या मुलेता रखता है। ये बुल रेड केप को देखता है, गुस्से से उसकी ओर भागने लगता है। हमें कहा गया है कि रेड कलर के कपड़े पहनने पर बुल्स के सामने जाना नहीं चाहिए। तो क्या रियलिटी में रेड कलर बुल्स को एंग्री करता है? Let's find out if that's the case in today's episode of Toppr. Before we ask why, हम एक दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। And that question is, does the color red really make bulls angry? बुल्स रेड कलर की वजह से एग्रीवेटेड नहीं होते हैं। In fact, वो किसी भी कलर से एग्रीवेटेड नहीं होते। Bulls have dichromatic vision. उनकी आईज के रेटिना में दो अलग अलग कोन सेल्स हैं, जो उन्हें कलर्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एक शॉर्ट वेवलेंथ 444 टू 445 नैनोमीटर्स, जो ब्लू और वायलेट को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और दूसरे कोन सेल्स अप्रोक्सीमेटली 552 टू 555 नैनोमीटर्स, जो येलो और ग्रीन कलर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये डाइक्रोमैटिक विजन की थियोरी बुल्स के कलर डिटेक्ट करने के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहती। इसके लिए पहले भी बहुत सारे रिसर्च की गई है वेदर बुल्स कलर डिटेक्ट कर पाते हैं या नहीं। रिसर्च में ये पता लगा कि बुल्स रेड और दूसरे कलर्स में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि बुल्स के एग्रेशन का कारण रेड कलर है। कलर परसेप्शन इन फाइटिंग कैटल नाम के पेपर में स्पैनिश फिलोसोफर रियोल और उनके कलीग्स ने ये कहा कि बुल्स के एंगर का रीजन मैटाडोर का केप होता है। मैटाडोर के केप का कलर का रेड होना और बुल्स के एग्रेशन से कोई रिश्ता नहीं। 2007 में एक पॉपुलर शो मिथ बस्टर्स में ये दिखाया गया कि जब बुल्स के सामने तीन डमीज रखे गए, जो कि व्हाइट, ब्लू और रेड कलर के थे, बुल ने सिर्फ रेड कलर को प्रेफरेंस नहीं दिया, उसके बिहेवियर तीनों के साथ एक जैसे ही रहे। बुल फाइटिंग में यूज होने वाला केप अगर किसी और कलर का भी हो तो बुल उस पर भी अटैक कर सकता है। अगर टू बुल फाइटर्स एक साथ है और उनमें से एक रेड और दूसरा व्हाइट केप पकड़ा हुआ है, और अगर व्हाइट वाला मूवमेंट करता है तो बुल व्हाइट वाले पर ही अटैक करेगा। इट्स ऑल इन द मूवमेंट, इट्स नॉट द कलर। बुल का एंगर बुल फाइटर और उसके केप के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बुल फाइटिंग में यूज होने वाले बुल्स की ब्रीड काफी एग्रेसिव होती है। ये सडन मूवमेंट्स होते ही अटैक कर देती है। इन बुल्स की ब्रीड को ऐसे जगह में तैयार किया जाता है जहां से ये एकदम से भाग न सके। सो व्हाई इज द रेड कलर यूज्ड इन बुल फाइट्स? रेड कलर इज जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रेडिशन। फैक्ट, बुल फाइटिंग में थ्री स्टेजेस होते हैं और रेड केप का यूज सिर्फ फाइनल स्टेज में किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, केप का रेड कलर बुल से निकलने वाले खून को हाइड करने में हेल्प करता है। बुल फाइटिंग मॉडर्न एज में एक वायलेंट स्पोर्ट है। ये गेम 2000 BC से भी पहले से खेला जा रहा है। उसका प्रूफ है ये पेंटिंग। आज बुल फाइटिंग पॉलिटिकल और कल्चरल टर्मोइल में फंस गया है। एनिमल क्रुएल्टी की वजह से इस स्पोर्ट पे रोक लगाया जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बुल फाइटिंग के दौरान बुल फाइटर्स कुछ अलग ही ग्रेस के साथ अपना टैलेंट दिखाते हैं, जो कि बुल्स को अटैक करने में मजबूर करता है। That's all for today. I'll see you in the next video. Till then, keep learning. If you enjoyed this video, remember to like, share, and subscribe. Stay tuned for more exciting content.